Hello students, welcome back on my channel. Today we will start 11th class business study book. जैसा कि आपकी बुक का नाम है business studies, इसमें हम business के regarding study करेंगे. इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि business क्या होता है, business organization कितने type के होते हैं, एक business organization की क्या social responsibilities होती हैं, एथिक्स होते हैं, किस तरह से कंपनी बनाई जाती है, कहां से फाइनेंस आता है, नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है, क्या रूल्स होते हैं, इन सभी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन आपकी इस बुक में अवेलेबल है. आज हम फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. द टर्म बिजनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिज. जो टर्म बिजनेस जो है वो कहाँ से निकली है? बिजी वर्ड से. दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. बिजनेस का मतलब है बिजी रहना. लेकिन क्या बिजी रहने से हम बिजनेस कर पा रहे हैं? आजकल हर इंसान बिजी है. क्या उसके बिजी होने से वो बिजनेस होता है? नहीं. हाउएवर इन ए स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट. विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स मींस प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से. हाउएवर इन ए स्पेसिफिक सेंस बिजनेस हम किसे कहेंगे? एक ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय जिसमें पीपल कंटिन्यू एंगेज रहते हैं इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज. वो किस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं? परचेज करना गुड्स को, प्रोडक्शन करना और सेल करना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना. और इन सब के में बिजी होने के साथ साथ उस इंसान को यह भी चाहिए कि वो इन सब एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न कर रहा हो. अगर वो इन सब एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वह है बिजनेस होगा, अदरवाइज उसे हम बिजनेस नहीं कहें. इफ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व दैट पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो यह ऑब्जर्व करेंगे कि पीपल जो है बहुत सारी एक्टिविटीज में बिजी हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. हर इंसान किसी न किसी काम में बिजी होता है. दीज एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप. इन एक्टिविटीज को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है, जिससे हमारी इनकम होती है. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता, हमें कोई इनकम नहीं होती. ये सारी एक्टिविटी हम अपने लगाव सिंपैथी के लिए कर रहे होते हैं. जैसे कि कोई भी लेडीज अपने घर में अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसे उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई इनकम नहीं हो रही. वो सिर्फ अपने लव सिंपैथी के लिए सबके लिए खाना बनाती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड वेयर्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव सिंपैथी सेंटिमेंट पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनसे हम अपनी आजीविका कमाते हैं. वेयर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं या तो हमें उससे प्यार होता है या हम उनके प्रति दया की भावना दिखाते हैं या सेंटिमेंट्स की वजह से या हम उनके प्रति लॉयल होते हैं.
इस वजह से हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई इनकम नहीं होती है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। उन एक्टिविटीज में भी हम बिजी होते हैं, लेकिन उससे इनकम नहीं होने की वजह से हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। जिस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट अर्न होता है और फिर उसमें हम बिजी रहते हैं, हमें बिजी रहने से इनकम हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, ए मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स एंड आर देयर फॉर एंगेज इन ए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए, एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ऑपरेशन करता है, एक मैनेजर अपने ऑफिस में काम करता है, एक टीचर पढ़ा रहा है, इन ए स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड। वो ये सारे काम अपनी जो है आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं, देयर फॉर एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक टीचर घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो जो है उससे उसको कोई इनकम नहीं हो रही, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उससे उसको सैलरी मिल रही है, तो उसको इनकम हो रही है, तो वो बिजनेस है, प्रोफेशन है। ऑन द अदर हैंड, ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली और ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपैथी। और दूसरी तरफ, अगर कोई हाउस वाइफ अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, अगर कोई लड़का किसी बूढ़े आदमी का रोड क्रॉस करवाने में उसकी मदद करता है, तो ये जो एक्टिविटी है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनसे उनको कोई भी इनकम नहीं हो रही है। दे आर डूइंग सो, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं आउट ऑफ लव और सिंपैथी, अपने प्यार की वजह से और अपनी सहानुभूति की वजह से वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कि वो जो लड़का है एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवा रहा है और एक हाउस वाइफ खाना बना रही है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम आगे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडरटेकन विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, सेकंड इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए और सेल होनी चाहिए गुड्स की। सर्विसेज अंडरटेकन विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से की जानी चाहिए, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। और इस तरह से हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं ये सारी एक्टिविटीज करके, तो हम उसको क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। बिजनेस करने के लिए हमें एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का करना जरूरी है, दूसरा उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए और सेल्स होनी चाहिए, और थर्ड जो है हमें प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, हमारी इनकम होनी चाहिए। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।